बैक टू माई चैनल ट्रैवल विद तेजस्वी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस पर लेके जाने वाली हूँ जिसका नाम है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क। इसे राजीव गांधी जू एंड कातरज जू ये सारे नामों से भी जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस प्लेस है पुणे का, कुछ अराउंड 1999 का, एंड ये कातरज में है। यहाँ जाने के कई सारे ऑप्शंस है, लाइक आप बस से जा सकते हो, जू के बाजू में ही कातरज बस डेपो है तो आपको कहीं से भी कातरज बस पकड़ना है वो आपको जू के बाजू में ही ड्रॉप कर देगी, और आप डायरेक्ट ऑटो रिक्शा करके भी यहाँ पर जा सकते हो, और एल्स आप आपका प्राइवेट व्हीकल लेके जा सकते हो, अंदर पार्किंग अवेलेबल है। सो गाइज, ये है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क एंड ये है इसका मेन एंट्रेंस। यहाँ गेट के बाहर ही काफी सारे स्नैक्स के ऑप्शंस है, स्टॉल्स है, तो यहाँ ब्रेकफास्ट करके अंदर जा सकते हो। कातरज जू का टाइमिंग है 9:30 AM to 5 PM एंड ये वेनेसडे पे क्लोज रहते हैं, जस्ट लाइक मुंबई भाईकला जू। यहाँ का एंट्री चार्जेस है 40 rupees पर अडल्ट एंड 10 rupees फॉर चिल्ड्रंस, एंड इफ फॉरिनर्स है तो उनके लिए चार्जेस है 100 rupees पर पर्सन। इफ आप अंदर जाके फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी करना चाहते हो तो स्टील कैमरा के है 50 rupees एंड वीडियोग्राफी कैमरा के है 200 rupees, एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको गाइड भी मिलता है, तो अगर आप गाइड लेना चाहते हो तो पर ग्रुप के लिए गाइड है फॉर 50 rupees। अब अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ थोड़े बहुत टिप्स देना चाहूंगी। टिप नंबर 1 इज, आप यहाँ पर अंदर टपरवेयर बॉटल और पेपर बैग्स में खाना लेके जा सकते हो। अदर देन दैट, इफ आपके पास प्लास्टिक का बिस्लरी बॉटल होगा तो उसके लिए आपको पर बॉटल 10 rupees डिपॉजिट करने होते हैं वहाँ पर काउंटर पे, एंड वो आपको वापस मिलते हैं जब आप रिटर्न आते टाइम वो सेम बॉटल उनको दिखाओगे तो। टिप नंबर 2 इज, अंदर खाने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आप बाहर जो स्टॉल्स है वहाँ पर खा के जा सकते हो, और एल्स आप आपका पैक्ड फूड पेपर बैग में कैरी करके अंदर लेके जा सकते हो। टिप नंबर 3 इज, देयर इज नो नीड टू कैरी मल्टीपल वाटर बॉटल्स, अंदर आपको हर जगह पर ड्रिंकिंग वाटर जो है वो अवेलेबल है। देन टिप नंबर 4 इज, आप यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जाए जब ये ओपन होता है, दैट इज 9:30 AM टू गेट प्रॉपर पार्किंग एंड टू अवॉइड टिकट लाइन एंड ऑल्सो टू अवॉइड गर्मी। टिप नंबर 5 इज, अंदर ही बैटरी ऑपरेटेड बसेस होती है जो आपको पूरा जू घुमाती है, तो अगर आप ग्रुप में हो या फिर आपके साथ कोई ओल्ड एज है या फिर स्मॉल बेबी है तो आप उन्हें लेकर ये बैटरी ऑपरेटेड बस ये पूरा जू घूम सकते हो। ये मॉर्निंग में 10 o'clock से स्टार्ट होती है एंड इवनिंग में 5 o'clock को लास्ट बस होती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं आगे वीडियो में बताने वाली, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। देन टिप नंबर 6 इज, कैरी सनग्लासेस, हैट, कैप, बिकॉज अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एंड इफ अगर आप ये पूरा जू चल के घूमना चाहते हो तो आप प्रॉपर शूज़ भी पहने, बिकॉज ये बहुत ही बड़ा जू है। अब लास्ट टिप इज, इफ अगर आप ये जू पूरा घूमना चाहते हो तो आप ये वीडियो भी पूरा देखिए, बिकॉज ये जू घूमना थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो सकता है एज ये बहुत ही बड़ा जू है। तो चलो आप टिकट लेके चलते जू घूमने। एंटर करते ही अंदर बैग चेकिंग होती है राइट में, जहाँ बॉटल के चार्जेस डिपॉजिट करने होते हैं जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। देन थोड़ा लेफ्ट में जाओगे तो वहाँ पर है बैटरी ऑपरेटेड बस का काउंटर। ये बस स्टार्ट होती है फ्रॉम 10 AM एंड लास्ट बस होती है इनकी 5 PM की, एंड बीच में 1 o'clock to 2 o'clock तक इनका 1 hour का लंच ब्रेक होता है। इसका कॉस्टिंग है 25 rupees फॉर चिल्ड्रन एंड 40 rupees फॉर अडल्ट्स, एंड इसमें अराउंड 10 टू 14 पीपल एक बस में बैठ सकते हैं। तो इफ आप ग्रुप में हो तो आप ये बस से पूरा जू जो है वो घूम सकते हो, बट इफ आप आराम से देखना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये पूरा चल के ही घूमो। अब यहाँ से जू 2 parts में डिवाइड होता है। लेफ्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर स्नेक पार्क एंड बर्ड्स वगैरह है, एंड राइट में जाओगे तो वहाँ पर टाइगर, लायन, ये सब है। तो हम सबसे पहले जाएंगे लेफ्ट में। लेफ्ट में आपको सबसे पहले मंकीज देखने मिलेंगे जो कि एकदम ओपन में रखे हैं, उनका ऐसा कुछ भी एनक्लोजर नहीं बना है। देन वहीं से थोड़ा आगे ही स्नेक पार्क का एंट्रेंस है। ये जू का सबसे हाइलाइटिंग पॉइंट है ये स्नेक पार्क। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप के स्नेक्स देखने मिलेंगे, एक प्रॉपर एनक्लोजर में उन्हें रखा गया है, एंड बहुत ही आप पास से उन्हें देख सकते हो। सबसे पहले हमने देखा रैट स्नेक, जिसे धमन बोलते हैं हिंदी में एंड मराठी में। ये मेनली रैट खाते हैं इसलिए इसका रैट स्नेक ये नाम दिया है। और उसी के साथ हमने काफी अलग अलग टाइप ऑफ स्नेक्स देखे, लाइक रसल वाइपर, ट्रिकेट, बैम्बू पिट वाइपर, कोबरा, चेकबोर्ड, कील बैग, वाटर स्नेक, बैंडेड रेसर, एंड ऑल्सो हमने रेटिकुलेटेड पाइथन देखा जो कि एकदम पास से देखने मिला, एंड वो एक्टिव भी था।
नॉर्मली अजगर एक्टिव नहीं होता है, एक जगह पर होते एंड ऐसे ही हिलते हुए नहीं दिखाई देते, बट यहाँ पर हमने जो पाइथन देखा वो बहुत ही एक्टिव था, तो उसे देखकर हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद वहाँ और भी एनिमल्स देखे लाइक टर्टल्स, देन ग्रीन इगुआना, गैरियल, एलिगेटर, फ्लैप शेल टर्टल, मॉनिटर लिजर्ड एंड ऑल्सो एक और स्नेक देखा जो वेनमस था, दैट इज पॉइजनियस एंड उसका नाम था कॉमन क्रेट, जिसे मन्यार ये नाम से जाना जाता है, उसे ग्लास के एनक्लोजर में बंद करके रखा था। अब थोड़ा और आगे गए तो हमें वहाँ पर एक और पाइथन देखने मिला जो कि सो रहा था, रेस्ट कर रहा था। तो गाइज ये था स्नेक पार्क, काफ़ी अमेजिंग एंड ये पूरे जू का मुझे बेस्ट पार्ट लगा। आप यहाँ पर छोटे बच्चों को लेके आ सकते हो, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है ये पूरा स्नेक पार्क एंड पूरा जू। यहाँ पर काफ़ी अलग अलग ऐसे बोर्ड्स लगाए जो रीड करके आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जब मैं गई थी तो वहाँ पर छोटे छोटे बच्चे आए थे, उनका स्कूल का ट्रिप था। तो इफ अगर आप भी आपके बच्चे लोग को वेकेशन में कहीं पर घुमाने लेके जाना चाहते हो तो आप ये जू में ज़रूर आ सकते हो। अब यहाँ से जाएंगे बर्ड्स देखने। इतने ज़्यादा बर्ड्स नहीं हैं, पीकॉक, ब्लैक काइट, ये ऐसे दो ही बर्ड्स देखे हमने जो कि काफ़ी दूर थे एंड उनका एनक्लोजर भी थोड़ा ऊपर था तो इतना प्रॉपरली देखने नहीं मिला। तो ये हो गया लेफ्ट साइड। अब जाएंगे जू के राइट साइड पे बाकी एनिमल्स देखने। अब यहाँ पर जाते टाइम इफ अगर आप बीच में रेस्ट करना चाहते हो तो बीच में बेंचेस लगाए वहाँ पे बैठ के रेस्ट कर सकते हो, देन वॉशरूम वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर, ये सब यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ राइड में सब बड़े एनिमल्स हैं। सबसे पहले हमने दो स्लॉथ बेयर देखे जो कि रेस्ट कर रहे थे, तो काफ़ी अंदर थे बट हमें उन्हें प्रॉपरली देखने मिला। आफ्टर दैट थोड़ा आगे जाओगे तो आपको मल्टीपल टाइप ऑफ डियर्स देखने मिलेंगे लाइक स्पॉटेड डियर्स, देन इंडियन गेजिलिया एंड सो ऑन, जो कि एनक्लोजर के अंदर थे। उसी के साथ हमने और अलग अलग एनिमल्स यहाँ पर देखे लाइक गौर, देन अलग टाइप ऑफ डियर्स एंड वहीं से थोड़ा आगे गए तो हमें वहाँ पर लायनस देखने मिली जो कि बहुत ही बड़े एनक्लोजर में थी। ये एनक्लोजर इनका पूरा ओपन है तो हमने उसे एकदम प्रॉपरली देखा बट कैमरा में उसे प्रॉपरली कैप्चर नहीं कर पाया, वो एकदम अंदर रेस्ट कर रही थी झाड़ के नीचे बैठ के। अब वहाँ से और आगे आगे अगर आप जाओगे तो लेफ्ट में आपको और मल्टीपल टाइप ऑफ डियर्स देखने मिलेंगे एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको चलना पड़ता है एंड एंड में आपको एलिफेंट देखने मिलेगा। अब थोड़ा और आगे आगे चल के जाएंगे एलिफेंट देखने। जहाँ पर एलिफेंट है उनकी जगह जो है वो काफ़ी बड़ी है एंड एकदम अंदर तक है एंड बीच बीच में जो ट्रीज है उनके कारण हमें उसे प्रॉपरली देखने नहीं मिलता है, बट फिर भी अगर आप आगे आगे जाओगे तो आपको एक पॉइंट से उन्हें प्रॉपरली देखने मिल जाएगा। अब वहाँ से रिटर्न आते टाइम आपको लेफ्ट में टाइगर देखने मिलेगा जिसे सभी लोग देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। एक ही टाइगर था इस जू में, पहले यहाँ पर बंगाल टाइगर हुआ करता था बट अभी वो नहीं है, अभी हमें सिर्फ एक नॉर्मल टाइगर यहाँ पर देखने मिला एंड जो कि पानी पीने के लिए बहुत ही पास आया था तो हमने उसे बहुत ही पास से देखा। इस जू का ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा, दैट इज़ यहाँ पर एनिमल को बहुत ही बड़ी जगह मिली है रहने के लिए, एक छोटा सा केज में वगैरह बंद करके नहीं रखा है, तो ये पार्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि वो यहाँ पर आराम से घूम सकते, जा चाहे वहाँ पर बैठ सकते, रिलैक्स कर सकते। आफ्टर टाइगर हम थोड़ा सा आगे गए वहाँ से तो हमें दो लेपर्ड देखने मिले जो कि बहुत ही हेल्दी थे। आफ्टर दैट अगर आप वहाँ से थोड़ा और अंदर जाओगे तो आपको एक ग्रीन कलर का ऐसा केज दिखेगा जहाँ पर अंदर हमने स्क्विरल का एक अलग ही टाइप देखा। आई डोंट नो वो कौन सा एनिमल था, मैंने उसका कहीं पर भी नेम बोर्ड नहीं देखा बट मुझे वो स्क्विरल जैसा ही लगा। एंड वहीं पर उसके बाजू में छोटे छोटे और केजेस बनाए जहाँ पर शायद ही कोई न्यू एनिमल्स वो लोग लेके आने वाले होंगे। सो गाइज ये था कंप्लीट टूर गाइड ऑफ राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज कात्रज जू। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना एंड आप जब भी पुणे घूमना चाहते हो तो आपके लिस्ट में ये प्लेस जरूर ऐड करना, बहुत ही अमेजिंग प्लेस है ये। यहाँ का स्नेक पार्क जो है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, तो आप आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। By that time, keep traveling with Tejasvi.